इसमें है 10,000 MCQs। अगर आपके पास टाइम है, आपने स्टडी की है, तो आप संडे टेस्ट नहीं दे सकते या एकेडमी नहीं जा सकते, तो आई विल रिकमेंड दिस बुक। दिस इज़ बेस्ट फॉर प्रैक्टिस। इसमें हमारे पास फिजिक्स की 2000, केमिस्ट्री की 2300, बायोलॉजी की 2300, मैथमेटिक्स की 2300 और इंग्लिश की 1000 MCQs है, जो हमारे पास क्या है, सारे की सारे चैप्टर वाइज अरेंज है। और ये बहुत बड़ी बुक है, हमारी प्राइस जो है ये बहुत कम होती है, यानी 500 में आपको इतना बड़ा बुक मिलेगा विथ फ्री होम डिलीवरी। अगर हम बात करें तो डिलीवरी चार्ज हमारे पास 400 इस बुक पर आते हैं, लेकिन फिर भी हम स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, ये 500 में ये बुक्स देते हैं ताकि स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से पढ़ सके और घर में, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स के पास पैसे नहीं होती, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड एकेडमी। सो ये बुक जो है, अगर आप इसको देख लें, हमारे पास बहुत बड़ी बुक है। सो इसमें हमने 10,000 MCQs निकाले हैं और यहाँ पर उसकी की गिवन है और इसकी एक्सप्लेनेशन, अगर आप लोग चाहें तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को दे सकते हैं PDF में कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। इसके अलावा NMDCAT मॉडल टेस्ट भी है चैप्टर वाइज की एंड में गिवन है। सो आई विल रिकमेंड दिस बुक फॉर एवरीवन। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप लोग इजीली 180 प्लस स्कोर सकते हैं NMDCAT में, यानी नेशनल NMDCAT में। सो लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्ट फिजिक्स। सो फिजिक्स एक टफ सब्जेक्ट है मोस्टली स्टूडेंट्स के मुताबिक, लेकिन ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसकी कुछ ट्रिक्स और फार्मूलाज है जो आप लोगों ने सीखनी है। सो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आई विल रिकमेंड दिस बुक जो बूम सीरीज़ का बुक है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले जो भी चैप्टर आप लोग स्टार्ट करेंगे उसको आप लोगों ने अपने टेक्स्ट बुक्स में रीड करना है। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप लोग क्या करें, जो आपका टेक्स्ट बुक है, KPK का है, फेडरल का है या पंजाब का है, सिंह का है, जिस बोर्ड का भी फेडरल बुक्स आप पढ़ेंगे या जो भी बुक्स आप पढ़ेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है कि वो चैप्टर पढ़ना है। फिर आप लोगों ने ओपन करना है बूम सीरीज का बुक्स में अपने सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए ऑलरेडी निकाल रखे है टॉपिक बाई टॉपिक। सो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के है। इसी के अलावा हमने केसेस पॉइंट किया कि वेलोसिटी हमारे पास कब मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देख ले इस बुक में, तो कुछ केसेस है जो हमारे पास, यानी MCQs है यहाँ पर, जिसको हमने लिखा है MCQs पर ईटा, यहाँ पर हमने सॉल्व की है वन बाई वन। सो ये MCQs जो है ये हमारे पास बुक्स में नहीं होती है डायरेक्टली, लेकिन ये इसी तरह के MCQs एंट्री टेस्ट में आते हैं। लाइक सपोज द पॉइंट वेयर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो यहाँ पर हमने डिटेल में इसको फाइंड किया है और ये बहुत सारे ईटा और नेशनल NMDCAT आगा खान में ये बहुत सारे टेस्ट में ये MCQs आते हैं। इसी तरह अगर आप देख लें तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो हम लोगों ने लिख किए, यानी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि आप यू शॉर्टन द स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम टू हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, व्हाट इज इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास और बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो हमने डिटेल में की है। सो एक चैप्टर में हमने क्या किया है, यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पर डिफरेंट केसेस है जो हम लोगों ने फाइंड किए, यानी जिस तरह ये केसेस हैं हमारे पास। अब अगर हम इस पॉइंट को देखें तो ये हमारे पास बुक्स में इस तरह के है ही नहीं, यानी अगर एनर्जी कंजर्वेशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात की जाए तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह के केसेस डिराइव किए हैं, जिसको आपको पता चलेगा कि कैसे आप लोगों ने स्टडी करनी है, किस तरह के MCQs एंट्री टेस्ट में आते हैं। सो आई विल रिकमेंड दिस बुक। पहले आप लोगों ने टेक्स्ट बुक में चैप्टर रीड करना है, फिर इस बुक में रीड करना है और एट द एंड ऑफ दिस बुक, इस बुक में हमारे पास क्या है, MCQs गिवन है, जो अबाउट तकरीबन हमारे पास 3000 प्लस MCQs है चैप्टर वाइज, और बुक के एंड में इनका एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। सो अगर आप यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर MCQs नंबर, उसका की और इसका एक्सप्लेनेशन क्लियरली मौजूद है। सो पहले आप लोगों को टेक्स्ट बुक रीड करें, फिर की पॉइंट्स सीख लें, उसकी ट्रिक्स सीख लें और फिर MCQs प्रैक्टिस करें। सो इससे आप लोग ईजिली 40 में से 35 MCQs क्लियर कर सकते हैं इन नेशनल NMDCAT। सो नेक्स्ट कम विथ बायोलॉजी सब्जेक्ट। सो बायोलॉजी में के बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ईजी भी है, इससे 80 MCQs आते हैं नेशनल NMDCAT में। सो अगर आपकी बायोलॉजी स्ट्रांग है तो दिस इज द गोल्डन चांस फॉर यू। सो पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें आप लोगों ने एक चैप्टर जो है रीड करना है और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने उसी बुक से तकरीबन 5000 प्लस की पॉइंट्स निकाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्निक्स इन बायोलॉजी टॉपिक है, उसके हमने की पॉइंट्स निकाले हैं। इसी तरह हर चैप्टर में हमने टॉपिक वाइज की पॉइंट्स निकाले हैं। सो अगर आप देख ले यहाँ पर लिखा है द सिस्टर्न टुगेदर विद वेसिकल्स आर कॉल्ड
व्हाट गालजी कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारे पास अपनी तरफ से एमसीक्यूज हो गए जो सामने ऑप्शन मौजूद है। अब ये इस तरह भी आ सकता है कि लाइसोसोम कंटेंट वैरायटी ऑफ एंजाइम का हाइड्रोलाइसिस। तो ये सारी बुक से हमने पॉइंट्स निकाले हैं। ईजिली आप लोग जो है ये पॉइंट्स याद कर सकते हैं। सो अबाउट 5 to 10 minutes लेगा और आप ईजिली वन चैप्टर को रीड कर सकेंगे। सो अगर आप देख लें तो 4 to 5 pages में एक चैप्टर कवर हो जाता है। ये एक चैप्टर हमारे पास कवर हो गया। इसके अलावा अगर आप देख लें, ये बायोलॉजी मॉलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, और 1, 2, 3 pages पर बायोलॉजी मॉलिक्यूल पेज चैप्टर ख़त्म हो गया है। यानी एक चैप्टर मिनिमम आप 5 to 10 minutes में याद कर सकते हैं और उसके सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों ने केपीके टेक्स्ट बुक में चैप्टर रीड किया, फिर इसके सारे की पॉइंट्स याद कर ली, तो इसके बाद आती है बात प्रैक्टिस की। सो यही 5000 की पॉइंट्स से हमने निकाले है 6000 MCQs जो हमारे पास है चैप्टर वाइज। अब आपने टेक्स्ट बुक रीड किया, फिर इसकी की पॉइंट्स याद कर ली, तो फिर आप लोग ये MCQs याद की बुक ओपन कर ले और ये सारे MCQs जो है प्रैक्टिस कर ले। ये एक चैप्टर ख़त्म हो गया, दूसरा स्टार्ट हो गया, इसी तरह ये दूसरा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो इस बुक में हमारे पास है 6000 MCQs और एंड में इस बुक की हमारे पास की गिवन है। सो आप लोग अपनी की भी चेक कर सकते हैं। सो क्या करना है, बायोलॉजी के लिए टेक्स्ट बुक रीड करना है, ये सारे की पॉइंट्स रटने हैं आप लोगों को, बिल्कुल ईजी है, क्लियर है, सिंपल लैंग्वेज है। लेकिन हमने मोस्ट स्टूडेंट को पता नहीं होता कि पीटा या NMD कैट में किस तरह के MCQs आते हैं या किस तरह पॉइंट्स आते हैं। सो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो सारे हमने निकाले हैं और एक एक आप लोगों के सामने यहाँ पर रख लिए हैं। इसमें पास्ट MCQs भी है, इसमें न्यूमेरिकल डेटा भी है, सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े पॉइंट्स इस बुक में गिवन है। सो ये हो गई बात बायोलॉजी की। नेक्स्ट बात आती है केमिस्ट्री की। तो दिस इज द केमिस्ट्री बुक ऑफ बूम सीरीज। सेम यूज़ करना है फिजिक्स और बायोलॉजी की तरह। पहले आप लोगों ने चैप्टर रीड करना है बुक में, फिर आप लोगों ने ओपन करना है केमिस्ट्री ऑफ बूम सीरीज। तो यहाँ पर हम लोगों ने पॉइंट्स निकाले हैं, जो लेविस एसिड है, जो बेसिस है, इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस, इसी तरह कॉन्जुगेट एसिड बेस की पॉइंट्स, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो एक चैप्टर को हमने क्या किया है, उसके सारे पॉइंट्स जो है वो हमने निकाले हैं और आप लोग को 2 या 3 pages पर सारा चैप्टर कंप्लीट मिलेगा जो आप इजीली याद कर सकते हो। ये हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स के सारे पॉइंट है, यानी अगर आप देख लें तो ये 50 पॉइंट्स है। अगर आप इजीली याद कर सकते हो तो इससे आप 4 या 5 MCQs नेशनल एमडी कैट की इस चैप्टर के अकेले में कोर कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आप ये पॉइंट्स याद कर लेते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इस बुक के एंड में हमारे पास क्या है, 1000s of MCQs है। तकरीबन इस बुक में हमारे पास है 3000+ MCQs है और ये पंजाब के PK टेक्स्ट बुक सारे पाकिस्तान की बुक से हमने बनाए हैं और इसी का एक्सप्लेनेशन भी हम लोगों ने एंड में दिया है। अगर आप देख ले 1048 MCQs का ऑप्शन सी है और यहाँ पर रीज़न भी गिवन है कि वैल्यू ऑफ KC पर रिएक्शन इज कॉन्स्टेंट एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, व्हेन KC वैल्यू इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन रेशियो देन रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। सो ये बुक्स जो है ये आप केमिस्ट्री के लिए यूज़ करेंगे एंड यू विल स्कोर मैक्सिमम एज मच एज यू कैन इन केमिस्ट्री। इसके अलावा ये हमारे पास है ईटा के पास पेपर्स है, लेकिन अब ईटा नहीं है, लेकिन बुक्स हमारे पास वही है, टॉपिक्स वही है, चैप्टर्स वही है। सो ये आई विल रिकमेंड दिस बुक्स। ये बुक्स सारे KPK की शॉप्स में भी अवेलेबल है और ऑल पाकिस्तान बूम सीरीज़ वाले डिलीवरी भी करते हैं। सो अगर आप देख ले तो इसमें हमारे पास चैप्टर वाइज MCQs है, ये भी लिखा है कि ये किस टेस्ट में आया था, इसके सामने इसका की लिखा हुआ है और इसके सामने फिर उसका एक्सप्लेनेशन गिवन है। सो ये हमारे पास MCQ सेक्शन है, ये हमारे पास उसकी की है और ये हमारे पास उसकी एक्सप्लेनेशन है और फिर टॉपिक वाइज ये सारे MCQs अरेंज हुए हैं। सो अगर आप ये बुक्स यूज़ करेंगे, इसकी मेन बेनिफिट ये है कि ये MCQs ईटा की थी और ईटा बहुत ही टफ होती थी। NMD कैट में 120+ MCQs ये लोग बहुत ही ईजी बनाते हैं जो सारे लोग कोर कर सकते हैं। अब ये MCQs टफ है, सो दिस इज बार दो स्टूडेंट हु कैन ईजीली स्कोर 180+ आर अबाउट 190। सो इफ़ यू वॉन्ट टू स्कोर आई विल रिकमेंड दीज MCQs। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसके सामने एक्सप्लेनेशन गिवन है बाकी बुक्स की तरह। सो ईजीली अगर आप इसको स्टार्ट कर ले तो आप 5 to 10 minutes में ये सारे MCQs कवर कर सकते हैं और एक चैप्टर आपका 15 to 20 minutes लेगा। इसके अलावा ये हमारे पास, या अगर आप ये 5 books यूज़ कर ले तो ये काफ़ी था, लेकिन फिर भी ये 2-3 books है जिसका रिव्यू मैं दूंगा। इसमें है 10,000 MCQs। अगर आपके पास टाइम है, आपने स्टडी की है, तो आप
संडे टेस्ट नहीं दे सकते या एकेडमी नहीं जा सकते, तो आई विल रिकमेंड दिस बुक, दिस इज बेस्ट फॉर प्रैक्टिस। इसमें हमारे पास फिजिक्स की 2000, केमिस्ट्री की 2300, बायोलॉजी की 2300, मैथमेटिक्स की 2300 और इंग्लिश की 1000 MCQs है, जो हमारे पास क्या है, सारे की सारे चैप्टर वाइज अरेंज है और ये बहुत बड़ी बुक है। हमारी प्राइस जो है ये बहुत कम होती है, यानी 500 रुपीज़ में आपको इतना बड़ा बुक मिलेगा विथ फ्री होम डिलीवरी। अगर हम बात करें तो डिलीवरी चार्ज हमारे पास 400 इस बुक पर आते हैं, लेकिन फिर भी हम स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, ये 500 में ये बुक्स देते हैं ताकि स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से पढ़ सके और घर में, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स के पास पैसे नहीं होती, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड एकेडमी। सो ये बुक जो है, अगर आप इसको देख लें, हमारे पास बहुत बड़ी बुक है। सो इसमें हमने 10,000 MCQs निकाले हैं और यहाँ पर उसकी की गिवन है और इसकी एक्सप्लेनेशन, अगर आप लोग चाहें तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को दे सकते हैं PDF में कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। इसके अलावा NMDCAT मॉडल टेस्ट भी है चैप्टर वाइज की एंड में गिवन है। सो आई विल रिकमेंड दिस बुक फॉर एवरीवन। इसके अलावा ये हमारे पास है स्मार्ट इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन फ्रेजेस, आर्टिकल, टेंसेस और सारा ग्रामर गिवन है और 1400+ MCQs है इससे स्टडी के लिए। इसका पेजेस अगर आप देख लें बहुत ही क्लियर है, सिंपल इंग्लिश है, सिंपल ग्रामर है। इसके अलावा एंड में इसके लिए 1400+ MCQs है। सो दिस इज बेस्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स, ये टीचर्स भी यूज़ कर सकते हैं, CET टेस्ट, PSET, SST सारे टेस्ट के लिए स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं। लास्ट में जो बुक्स है हमारे पास है NMDCAT, या इसको आप NMDCAT भी कह सकते हैं। इस बुक में हमारे पास 3500+ MCQs है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर आप देख ले तो सेम बुक्स, हमारे सारे बुक्स में हमारे पास MCQs होते हैं, फिर उसकी MCQs का की होता है और एट द एंड उसका क्या है, उसका हमारे पास एक्सप्लेनेशन होती है। रीज़न हमारे पास ये है कि अगर आपके पास हज़ारों MCQs हो लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन मौजूद हो तो बहुत ही कम अरसे में स्टूडेंट्स बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो अपना टेक्स्ट बुक्स रीड करें, टेक्स्ट बुक्स रीड करने के बाद इस बुक्स की ट्रिक्स, इस बुक की की पॉइंट्स और साथ ही साथ में केमिस्ट्री की जो ट्रिक्स है वो आप लोगों ने सारे के सारे रीड करने हैं, याद करने हैं। एंड आफ्टर दैट आप लोगों ने इस बुक्स के MCQs, इस बुक के MCQs और इस बुक्स के MCQs आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं। और साथ में साथ इफ यू हैव टाइम यू मस्ट रीड द इंग्लिश ग्रामर, ये स्पेशली हम लोगों ने एंट्री टेस्ट के लिए बनाया है। सो दिस इज़ ऑनली फॉर एंट्री टेस्ट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू स्कोर। सो अगर आप ये रूल्स फॉलो करेंगे, ये स्ट्रिप फॉलो करेंगे तो यू कैन स्कोर ईजिली 180+ इन नेशनल MCAT, वी गारंटी इट। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।